90 के दशक की हुस्न परी उर्मिला माथुरकर ने अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म जुदाई दीवाने और खूबसूरत में जहां अपना अच्छा खासा योगदान देकर खूब तरक्की हासिल की थी और सातवें आसमान को छुआ था। वहीं जब से इन्होंने अपनी फिल्म रंगीला की है उसके बाद से ज्यादा तरक्की हासिल नहीं कर पाई है, जिसके चलते आज भी बॉलीवुड में नजर नहीं आती, जिसके पीछे का कारण आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप अपनी इस फेवरेट एक्ट्रेस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। उर्मिला माथुरकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की इतनी खुशनुमा एक्ट्रेस है कि ये किसी को बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये लाखों में एक है जिसकी हर एक अदायगी, जबरदस्त एक्टिंग और जज्बात पर लोग मरते हैं, इसलिए लोग इन्हें दिल से प्यार भी करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर मूवीज भी दी हैं। और अपनी फिल्म रंगीला से तो ये इतनी फेमस हुई हैं कि लोग इन्हें घर घर जाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1995 में आई आमिर खान और उर्मिला माथुरकर की फिल्म रंगीला ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। इसे बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी गई थी, क्योंकि इसमें उर्मिला माथुरकर ने मिले जोशी की अहम भूमिका और खूबसूरत भूमिका निभाई थी और इससे फिल्म से इन्हें खूब पॉपुलैरिटी और पैसे भी मिले थे, इसलिए तो ये तरक्की कर रही। लेकिन इस फिल्म में काम करने के बाद ये ज्यादा तरक्की हासिल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि इन्हें फिल्मों के ऑफर नहीं आते थे, बल्कि इन्हें रंगीला के बाद भी कई सारी फिल्में मिली, पर उन फिल्मों में ये अपना खास कमाल दिखाने में नाकामयाब रही, जिसके पीछे की वजह ये है कि इन्हें उन फिल्मों में रोमांटिक सीन्स करने के लिए कहा जाता था, पर इनके पति मोहसिन अख्तर मीर को इनका रोमांटिक सीन्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो इन्हें हमेशा ऐसा करने से रोकते रहते थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखना नहीं चाहते थे, जिसके चलते उर्मिला माथुरकर के दिमाग में अपने पति का डर बस चुका था, वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, तो बस इसीलिए वो फिल्मों में मन लगाकर काम नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते ही इनका करियर नीचे गिरता गया और ये ज्यादा तरक्की हासिल करने में नाकाम रही। वेल दोस्तों, आपको उर्मिला माथुरकर की एक्टिंग पहले कितनी अच्छी लगती थी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही जोरदार खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।